नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत तरह की प्रॉपर्टीज अपने चैनल पे हर रोज अपडेट करते रहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें हम लेके आते रहते हैं, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से जो आपका सपना है एक ड्रीम हाउस का या आपका खुद का प्रॉपर्टी बनाने का, वो पूरा हो सके। तो आज उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो कि सनिन इनक्लेव में होने वाली है। विला का कंसेप्ट है, 110 गज में बना हुआ विला है, जो कि विला हमारा होने वाला है 3 BHK का, और बहुत ही शानदार एलिवेशन होने वाली है, बहुत ही शानदार हमारे अंदर की जो है वो इंटीरियर होने वाली है। उससे पहले अगर आपको हमारा एफर्ट और हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है एंड और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो सर्च करके लाते रहते हैं। तो आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, तो आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए के रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जिस विला को मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, उसी विला के पास मैं खड़ा हूं। उससे पहले हम एक बार जो सोसाइटी है हमारी वो देख लेते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसे होने वाला है, यहाँ पे कितने आपको विला देखने वाले हैं, गेटेड रहने वाले या नहीं रहने वाले, तो सारा कुछ एक बार ओवरव्यू देखते हैं एंड उसके बाद फाइनली जो है हम अपने विला को देखेंगे। आप मेरे वेबसाइट में देख सकते हैं कि विला है 3 BHK का विला है, नीचे 2 BHK बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK बना हुआ है। सारा चीज आपको एक एक करके मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी फिलहाल हम अपने सोसाइटी को देखते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसे होने वाला है। तो अपना विला देखने से पहले हम एक बार सोसाइटी को देख लेते हैं कि हमारा सोसाइटी एक्चुअल में कैसा होने वाला है, क्योंकि विला तो अंदर से हर कोई बेटर बना लेता है, बट पॉइंट होता है कि क्या हमारी सोसाइटी बाहर से भी उतनी सुंदर दिख रही है, या प्रॉपर गेटेड है नहीं है, सीवरेज है नहीं है, आगे फ्रंट में स्पेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें होती है ये विला को काफ़ी अच्छा एक लुक देने में काम करती है। तो ये पहले अभी हम आप देख सकते हैं कि हम विला, ये हमारा विला हो गया, इसके जस्ट अभी हम बाहर खड़े हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सोसाइटी है वो प्रॉपर गेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल किया हुआ है, सोसाइटी का ये एंड है। यहाँ पे एक बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 10 विला देखने को ही मिलता है, जिसमें से कि हमारे पास 8 विला ऑलरेडी जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। हमारे पास सिर्फ 2 विला अवेलेबल है, तो अगर आपको भी अगर ये विला पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो देख के देरी मत कीजिएगा, एक बार विजिट प्लान जरूर कर लीजिएगा। तो अभी हम थे अपने सोसाइटी के अंदर, अभी आप देख सकते हैं जो रोड की अगर मैं बात करूं तो रोड भी आपको यहाँ पे कम से कम 35 से 40 फुट का वाइड रोड मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी सोसाइटी के लिए इतना बड़ा रोड होना बहुत ही बढ़िया बात है। अभी हम अपनी सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना 3 BHK का विला एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो इस विला को प्राइम लुक देता है, जो कि मेन इसका फोकस है, वो है हमारा लोकेशन। लोकेशन आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से भी दिखाऊंगा और जो हमारा प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है हाईवे पे खड़ के ही बताऊंगा कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से कितनी दूर होने वाला है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कोई भी चीज मिस करेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और धीरे धीरे करके मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लोर करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारा विला जो है, यहाँ पे सेम एलिवेशन के साथ जो है हमारा विला जो है वो तैयार हो चुका है। 8 इसमें से सोल्ड आउट भी हो चुका है एंड ये देख सकते हैं एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन आपको कितना शानदार दिख रहा है। इसी के साथ जो विला है वो 110 गज में होने वाला है, ऑन हाईवे होने वाला है, हाईवे से सिर्फ आपको 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये विला लेके आ चुके हैं। प्राइस की बात हम वीडियो में आगे चल के भी करेंगे। अभी जो दोस्तों मैंने आपको सोसाइटी दिखाया है, एक्चुअली वेल मेंटेन सोसाइटी है एंड बात करूं यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ डन है, ऑलरेडी सीवरेज डन है, गेटेड सोसाइटी है, वाटर पाइपलाइन है, तो सब कुछ यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। साथ में बात करूँ तो यहाँ का मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप देख सकते हैं जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, उस रोड से ऑन एन एवरेज 1.5 फुट हाइट पे इस विला को बनाया गया है, कि इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो आपका विला रोड से तो ऊपर है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपके यहाँ पे इन फ्यूचर कोई भी फंक्शंस वगैरह होता है तो आपकी जो विला है वो ऊपर होने की वजह से आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आती। इन फ्यूचर कोई सीवरेज का प्रॉब्लम आया बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में इसीलिए विला को ऊपर बनाया जाता है ताकि बरसात के मौसम में आपके विला के अंदर जो है वो पानी वगैरह ना जाए। एंड उसके बाद भी एक आपको बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं, ये वाला जो हमारा स्पेस है, ये हमारा स्पेस एक्चुअली पार्किंग के लिए दिया गया है। एक छोटी सी आपकी यहाँ पे गाड़ी इजी तरीके से पार्क हो जाएगी एंड जो फ्रंट में मैंने आपको रोड दिखाया वहां पे आप एक अच्छी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यानी आपको दो गाड़ी
पार्क करने का इजीली ऑप्शन मिल जाता है। साथ में इससे बात करता हूं तो इसके बाद भी जो हमारा विला है, जो हमारा रूम स्टार्ट होता है 2BHK का, उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी हाइट पे बनाया गया है। मतलब कि पार्किंग के बाद भी जो रूम स्टार्ट होता है उसके लिए भी यहाँ पे हाइट पे बनाया गया है। उससे पहले ये वाला जो स्पेस है ये हमारा हो गया पार्किंग का स्पेस, एंड जो ये वाला है हो गया हमारा स्पेस, इसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं या आप यहाँ पे कुछ भी अपना कर सकते हैं। ये भी स्पेस आपको एक देखने को मिलता है हमारी तरफ से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने 2BHK का नीचे, जो हमारा 2BHK का विला है उसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफी एक बढ़िया हाइट का आपको डोर देखने को मिलता है, जो कि आपको अगेन एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे आपको जो मेन डोर होता है बहुत जगह पे वो छोटा होता है, बट यहाँ पे उस चीज का ध्यान रखा गया है एंड यहाँ पे डोर आपको एक बढ़िया हाइट का दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद आप जैसे ही अपने विला के अंदर एंटर करते हैं, आपको जो है वो राइट हैंड साइड पे किचन देखने को मिल जाता है। अभी आपको मैं किचन दिखा देता हूँ, एक छोटा सा व्यू, उसके बाद इसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, हमारा जो विला का लेफ्ट हैंड साइड था, इसमें आपको ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया हमारा देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा साइज में होने वाला है। ये जो हमारा ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया होने वाला है वो 10x18 का होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा साइज होता है ड्राइंग प्लस डाइनिंग के हिसाब से। वेंटिलेशन और व्यू के लिए तो काफी बढ़िया यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो दिया गया है, ग्लास के साथ भी है और जाली के साथ भी है। यहाँ से आपको इजीली बाहर का जो व्यू है वो इजी मिल जाता है, एक्सेसिबल। एंड बात करो यहाँ पे फॉल सीलिंग का, तो आप देख सकते हैं कि वुड वर्क का काम करके यहाँ पे जो है वो फॉल सीलिंग को डिजाइन किया गया है, जो कि इस विला को एक बढ़िया लुक देने में, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो इंटीरियर लुक है वो काफी बेहतरीन हो जाता है इस छोटे छोटे वर्क को ध्यान में रखते हुए। तो अभी हम ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में ही खड़े हैं और यहाँ पे आपको इस एरिया में भी एक बहुत ही शानदार तरीके का, बहुत ही बढ़िया लकड़ का काम करके हमारी तरफ से जो है वो टीवी पैनल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक लुकिंग वाइज भी बढ़िया है और आपको काफी ज्यादा यहाँ पे स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा जो फॉल सीलिंग, आप एक बार ऊपर देखिए, फॉल सीलिंग को काफी बेहतरीन तरीके से और लाइटिंग के साथ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया है। और इसी के साथ अब आ जाते हैं हम अपने किचन में, उसके बाद हम अगेन अपने दो जो हमारे बेडरूम नीचे थे उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने किचन के एरिया में और आप 110 गज के हिसाब से अगर देखें तो ये काफी बढ़िया किचन साइज हमें देखने को मिलता है। ओपन किचन होने वाला है, मॉड्यूलर किचन आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और मेन बात यहाँ का है कि किचन में भी आपको हमारी तरफ से फॉल सीलिंग करवा के दी जाती है। एंड उसके साथ स्पेस की बात करूँ तो काफी ज्यादा स्पेसियस हमारा किचन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीजें यूज की गई है वो एक काफी स्पेसियस चीज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपके जो किचन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपकी सारी चीजें जो है वो इजिली आ जाती है। अब बात कर लेते हैं अपने हमारे दो जो नीचे बेडरूम है, तो पहला बेडरूम में आते हैं, उसके बाद दूसरा बेडरूम जो है वो अपना एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट वाले बेडरूम में और बेडरूम साइज जो है हमारा एक डिसेंट बेडरूम साइज होने वाला है, जो कि 110 गज के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है। बट इस बेडरूम में ना छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को मैनेज किया गया है, तो उन्हीं चीजों को हम इस बेडरूम में एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारा जो फॉल सीलिंग है यहाँ पे वुडवर्क का जो काम किया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। उस चीज को हर रूम के इंटीरियर के साथ मैच करने का जो है उसको मैच करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कबर्ड है, कबर्ड के साथ यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया भी है, यानी कबर्ड भी आपको मिल गया, फुल साइज का कबर्ड मिल रहा है, बड़ा कबर्ड मिल रहा है, जिसमें आपके बेडरूम के हिसाब से सारी चीजें इजिली एडजस्ट हो जाती है। एंड उसी के साथ बात करूं तो यहाँ पे आप टीवी पैनल देख सकते हैं, काफी एक सुंदर यूनिक तरीके से लाइटिंग के साथ यहाँ पे जो है वो टीवी पैनल को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। और इसमें भी आपको जो नीचे है वो काफी अच्छा एक स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपने डेली के चीजों को इजी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ बात करूं तो पूरे आपको कोठी के अंदर जो है वो AC डक्टिंग हमारी तरफ से करा के दी जाती है, तो इन फ्यूचर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने AC लगवाना है तो आपको बाद में तोड़फोड़ करना पड़े। तो मैंने आपको जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। एंड इसी के साथ हमारी तरफ से इसी के साथ देख सकते हैं कि मैं अभी वॉशरूम में खड़ा हूँ। एक्चुअली ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से यहाँ पे अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें जो दिख रही होंगी उसको आप वीडियो में प्लीज अवॉइड कीजिएगा, आप चीजों को थोड़ा बहुत समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने वॉशरूम में खड़ा हूँ। फिटिंग्स आपको हमारी तरफ से सेरा की दी जाती है
एंड बात करूं यहाँ पे टाइल का, तो जो हमारा हाईलाइटर वॉल है इस पे एक हाईलाइटर टाइल लगाया गया है, बाकी चीजों को सिंपल रखा गया है, जो कि एक जो हमारा वॉशरूम है उसको काफी यूनिक लुक देता है और बहुत ही शानदार वॉशरूम है। साइज भी आपको एक बहुत बढ़िया मिल जाता है रूम के अकॉर्डिंग। अभी आ चुके हैं हम अपने दूसरे बेडरूम में। बेडरूम की बात करूं तो ये पहले वाले बेडरूम से साइज में थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। एंड बात करूं यहाँ पे अगेन, आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये रूम की वीडियो स्टार्ट होने से पहले फॉल सीलिंग का डिजाइन देखा होगा, काफी यूनिक है पहले बेडरूम के कंपैरिजन में। इसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। एंड बात करूं यहाँ पे कबर्ड वगैरह की, यहाँ पे आपका मिरर कंसेप्ट की, तो सारा चीज फर्स्ट बेडरूम के कंपैरिजन में होने वाला है। बट उसमें मैंने आपको स्पेस नहीं दिखाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बेडरूम जो आपका वार्डरोब्स है इसमें काफी ज्यादा जो है वो स्पेस देखने को मिलता है, जो कि एक बेडरूम के हिसाब से जो भी पर्सन इसमें रहेगा उसके हिसाब से उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इस कबर्ड के हिसाब से। आपको ये नहीं है कि आप रूम में रह रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर रखने की जरूरत है, बहुत बड़ा कबर्ड है, बहुत स्पेसियस कबर्ड है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। बात करूँ यहाँ पे टीवी पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पहले बेडरूम के कंपेरिजन में अलग टीवी पैनल देखने को मिलता है। वहां पे आपको यहाँ पे फ्रेमिंग किया हुआ था बट इसको ओपन रखा हुआ है। इसमें आपको यहाँ पे डेकोर करने के लिए काफी अच्छी जगह दी गई है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस चीज को यूनिक बना सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लगा सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उसमें रख सकते हैं। एंड इसमें भी अगेन आपको एक नीचे स्पेस मिलता है, जो कि इस यहाँ इस पोर्शन के रिलेटेड जो भी चीजें होती है एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे अच्छे से रख सकते हैं। और बात करूँ यहाँ पे अगेन वॉशरूम की, तो यहाँ पे आपको जितनी भी फिटिंग्स है सारा की फिटिंग्स मिलती है। फुल साइज का आपको यहाँ पे टाइल जो मिलती है वो आपको देख सकते हैं यहाँ तक एक साइज पे मिलती है। एंड यहाँ पे अगेन सारी फिटिंग सारा की मिलती है, और यहाँ पे वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे जो है वो स्पेस दिया गया है, तो यहाँ से आपको वॉशरूम में जो वेंटिलेशन होती है वो आपको मिलती है, तो ये एक बढ़िया चीज है। तो अभी जो हमारा नीचे का 2BHK था, आपने वीडियो में देखा कि उसको हमने एक्सप्लोर कर दिया है कि नीचे आपको क्या क्या चीजें मिलती है, और अभी हम चलते हैं अपने ऊपर का जो हमारा 1BHK है वो देखने के लिए। और इस विला की आपको सबसे खास बात बता दूं कि जो यहाँ पे सीढ़ियों का स्पेस मिल रहा है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा उसको हाइट पे बना देते हैं, जिसकी वजह से ना चढ़ने और उतरने में काफी प्रॉब्लम होती है। जब उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे को गिर रहे हैं, बट यहाँ पे उस चीज का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक डिसेंट स्टेयर साइज दी गई है, जिससे आपको चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड उतरने में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं अपना 1BHK कैसा है। तो जैसे ही मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बालकनी हो जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का। और मैंने फ्रंट से आपको एलिवेशन भी दिखाया था कि हमारा फ्रंट से जो एलिवेशन है कोठी का बहुत ही शानदार दिखता है। और बात करो तो यहाँ पे जो है वो स्टील का ग्रिल लगा के दिया जाता है, और उसके साथ यहाँ पे आपको टफन ग्लास लगा के दिया जाता है, जो कि हमारे इस विला को एक बेहतरीन लुक देता है। अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और एक बार मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से सोसाइटी दिखाता हूँ कि हमारा फर्स्ट फ्लोर से सोसाइटी का क्या लुक आता है। तो जैसे ही हम अभी ऊपर आए थे, अभी आपको मैंने फ्रंट में दिखा दिया कि फ्रंट से हमारा एलिवेशन कैसा दिखता है, फ्रंट से सोसाइटी व्यू कैसा दिखता है। अब हम चलते हैं अपने एंटर करते हैं जो ऊपर का हमारा 1BHK है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए कि आपको हमारी तरफ से किचन के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हमारी तरफ से किचन बना के दिया जाएगा। अभी मैंने जैसा बताया कि ये अभी नया बन रहा है, तो कुछ चीजों को यहाँ पे अभी नहीं सेटअप किया गया है, तो यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलता है। किचन के ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जाएंगे तो हमारा आपको यहाँ पे रूम देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा 1BHK का ऊपर वाला कंसेप्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा 1BHK ऊपर देखने को मिल जाता है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है उसको सिंपल रखा गया है। एंड वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं नीचे वाले ही कंसेप्ट है। यहाँ पर जैसे नीचे व्यू था हमारा ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया का, वो यहाँ पे 1BHK का कंसेप्ट में लाया गया है। एंड बात करूँ टीवी पैनल का, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे जो है लाइट का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, बट ये अभी काम चल रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है वो चीजें अजीब दिख रही होगी वीडियो में, बट ये अभी न्यू बिल्डअप है तो यहाँ पे भी चीजें बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है जी। बट रेडी टू मूव कंसेप्ट है, आपको 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे डिलीवरी मिल जाएगी। साथ में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक मिरर का भी कंसेप्ट दिया गया है, ये वॉल पे ही मिरर आपको हमारी तरफ से लगा के दिया जाता है। एंड बात करो तो यहाँ पे जो हमारा 1BHK है उसमें आपका ड्रेसिंग एरिया को यहाँ पे जो है वो सेपरेट रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। एंड यहाँ पे अगेन इसी के साथ हमारा वॉशरूम मिल जाता है, जो कि अगेन 1BHK के हिसाब से काफी एक बढ़िया वॉशरूम स्पेस मिल जाता है हमें देखने को।
अब इसके बाद देखते हैं कि जो बाकी एरिया बचता है हमारा 1BHK के अलावा, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि 1BHK के बाद जो हमें एक ये वाला एरिया मिलता है कि बहुत बड़ा एक खाली स्पेस देखने को मिल जाता है। तो जो आपको ये वाला स्पेस मिलता है, इन फ्यूचर अगर आपने इसको भी यूटिलाइज करना है, बनाना है, तो इसको आप बना सकते हैं इन फ्यूचर में। एंड इसके ऊपर, मतलब जो भी हमारा फ्री स्पेस था, इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक लोहे का स्टेयर मिलता है, और जो भी हमारा टंकी वगैरह का सिस्टम है उसको हमारे इसके ऊपर वाले फ्लोर पे रखा गया है। यहाँ पे इन फ्यूचर आप एक और फ्लोर ऊपर बना सकते हैं, यानी टोटल आप 3 फ्लोर बना सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको नीड होती है या आपको रेंट आउट करना होता है चीज़ों को, तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से बना के, बट हमारी तरफ से आपको 3BHK ही बना के प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारा लास्ट जो पोर्शन रह गया है वो लोकेशन का रह गया है कि इस सोसाइटी में हमें लोकेशन कहाँ पे मिलता है। तो अभी हम आगे आपको सोसाइटी के बाहर खड़ के भी दिखाएंगे कि हमारा लोकेशन कहाँ होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं सोसाइटी के मेन एंट्रेंस गेट पे खड़ा हूँ। एक्चुअली इस सोसाइटी का सबसे खास बात यह है कि ये सोसाइटी के अंदर आपको 10 विला मिलने वाला है। एंट्री गेट सेम है, एग्जिट गेट सेम है, छोटी सी सोसाइटी है, वेल्ड मेंटेन है, मेंटेन करना इजी है, सारा एक पैक मिलता है आपको इस सोसाइटी के अंदर। और मैंने आपको लोकेशन की बात की थी, तो लोकेशन आप देख सकते हैं, मेरे सामने आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक रोड चल रही है, जो कि वो जहाँ पे बाइक वगैरह जा रही है। अभी आपको मैं रोड दिखाता हूँ, देखिए वहाँ वो जो रोड देख रहे हैं वो सनी एंड क्लेब का जो रोड है वो है, जो कि एयरपोर्ट रोड के साथ सीधा सनी के अंदर आता है। तो ऑन एन एवरेज बात करूँ अगर डिस्टेंस की, तो सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे हमारी ये प्राइम सोसाइटी होने वाली है, प्राइम लोकेशन पे कोठी होने वाली है। तो बिना देरी किए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक बार विजिट प्लान कर सकते हैं और अपना विला बुक कर सकते हैं। जो अभी यहाँ पे रेट चल रहा है वो 86 लाख रुपए का है, बट मैं आपको बताऊं कि अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो ऑन टेबल बैठ के बहुत ही अच्छे रेट पे इस चीज़ को हम अपना बना सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे रेट पे नेगोशिएबल कर सकते हैं। बट आपको उससे पहले एक बार साइट पे विजिट करना पड़ेगा, आपको साइट को पसंद करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आती है तो बैठ के हम एक अच्छे रेट पे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं।